हे गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल ट्रैवल विद करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो कोई ट्रैवल वीडियो नहीं होने वाला है। आज की वीडियो में हम आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। हिमाचल में जो है टूरिस्ट का सीज़न जो है स्टार्ट हो चुका है और बहुत से टूरिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड से हिमाचल में घूमने आते हैं। तो लास्ट ईयर जब मैं तिरुण ट्रैक कर रहा था तो मैं बहुत से टूरिस्ट से मिला और बहुत से सोलो ट्रैवलर से भी मिला। मैं जिन टूरिस्ट से मिला वो मोस्टली ट्रैवल कंपनीज़ के थ्रू ही आते हैं और कुछ लोग जो हैं वीडियोस देखकर आते हैं। जब भी आप अगर ऐसे कभी ट्रैवल करने निकलते हैं या ट्रैकिंग करने निकलते हैं तो एक प्रोफेशनल बंदे के साथ जाएं ट्रैक करने, क्योंकि पहाड़ों में कुछ पता नहीं होता कब मौसम ख़राब हो जाए और कब आप किसी जानवर के शिकार हो जाएं। तो प्रोफेशनल बंदे के साथ ट्रैक करना ही बेस्ट रहता है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जहाँ मैं रहता हूँ वहीं से दो लोग ऐसे ही एक ट्रैक करने पर निकल गए, ठठारना ट्रैक जिसका नाम है, और आज उन्हें 7 दिन हो चुके हैं, वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं, उनकी फैमिलीज परेशान हो रही हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि जब भी कोई ट्रैक करने का प्लान कर रहे हैं आप या कोई जगह जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल में आप उस चीज़ों को जानें, उनकी ट्रैक करने में आपको कौन सी इक्विपमेंट्स चाहिए या जैसे भी है आप उस चीज़ को डिटेल में एक बारी समझें। और बिना किसी ट्रैकिंग गाइड के ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है और वो भी ऐसे ही चले गए और अभी 7 दिन हो गए, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो अगर आपने रिसेंटली ठठारना ट्रैक किया हो, ट्रैकिंग कंपनी चलाते हो, तो या अगर आप कोई ट्रैकिंग गाइड भी हो सकते हैं, तो अगर आपने ये फ़ोटोज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप इस फ़ोटोज़ को देखिए, और अगर आपने रिसेंटली कहीं को देखा हो ठठारना ट्रैक में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या आपने कोई रास्ते में कोई बैग देखा हो या कोई कपड़े देखे हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता सकते हैं हमें। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है तो शेयर करना तो बनता है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, बाय।